नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष त्रिपाठी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नाइलेट गुरुजी पर। पिछले वाले ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया कि किस तरह से हम एक वेबसाइट का जो इंडेक्स पेज होता है, पहला पेज होता है जिसे होम पेज के नाम से भी जाना जाता है, उसको कैसे क्रिएट करें। तो उसको हमने इस फोल्डर में बनाया हुआ था और ये था इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, जो इस तरह से आपका ओपन होके आता था। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि फैकल्टी पे क्लिक करें तो अलग पेज आए, कोर्स पे क्लिक करें तो अलग पेज आए, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करें तो अलग पेज आए। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल करके पेज है, अभी जो मैं कर रहा हूँ नहीं करना है आपको, ये बस वैसे ही दिखा रहे हैं। जैसे इसका आइकन मिसिंग था, थोड़ा सा आइकन ला रहे थे। ठीक है, इंडेक्स वाली फाइल को कंट्रोल दबा के जब ड्रैग करेंगे तो दो फाइल बन जाएगी, फिर ड्रैग करेंगे कंट्रोल दबा के तीन फाइल बन जाएगी, एक बार और कंट्रोल दबा के ड्रैग करेंगे तो ये चार फाइल बन जाएगी। पांच फाइल बन गई है, एक डिलीट कर देंगे क्योंकि हमें चार ही की जरूरत है। चार की जरूरत क्यों है, क्योंकि इंडेक्स को जब आप यहां से ओपन करेंगे तो यहाँ पे एक दो तीन चार टैब हैं, चार टैब के लिए चार फाइल बनाना चाहिए। ठीक है, अब एक तो इंडेक्स हो गया जो कि होम पेज हो गया, दूसरे को राइट क्लिक कर लेते हैं या एक काम करते हैं, इसी को सिलेक्ट करके F2 दबा देंगे। ठीक है, एक को बना देते हैं कोर्स। टैब कौन कौन सा है, होम फैकल्टी कोर्स कॉन्टेक्ट, मतलब फैकल्टी और कॉन्टेक्ट और बनाना है। ठीक है, इसको हम बना देते हैं फैकल्टी, F2 दबाएंगे, इसको फैकल्टी और इसको बना देते हैं हम कॉन्टैक्ट। ठीक है ना, हमारे पास चार चार पेज तो हो चुके हैं ना, इसके लिंक वगैरह हमने अपडेट नहीं किया, तो पहले काम करते जो इंडेक्स वाला है इसी को हम खोलते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम VS कोड यहां से ओपन कर लें। आप नोटपैड पे कोडिंग करते होंगे तो आप नोटपैड ही खोल लीजिएगा। तो ये इंडेक्स वाले का कोड हमारा है, इंडेक्स वाली फाइल जो आपको यहां पे दिख रही होगी। ठीक है, लेकिन ये क्लिक करने पे पेज बदल नहीं रहे हैं, पेज बदलते तो यहाँ नाम भी चेंज हो जाता है। तो अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जो जो नाम यहाँ पे हैं इनका लिंक हमें देना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस साइड में जहाँ हैज लिखा हुआ था, इसको हम कर देंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। ठीक है, फिर ये फैकल्टी वाले को हैज को काट करके लिख देंगे हम फैकल्टी डॉट एच टी एम एल, फिर इसका हैज काट के हम लिख देंगे कोर्स एच टी एम एल, सबसे लास्ट वाले का करके लिख देंगे क्या कॉन्टेक्ट एच टी एम एल। ठीक है, अब उसके बाद यूएल से लेके यूएल तक हम इसको कॉपी कर लेंगे कंट्रोल सी से। यही सेम चीज अब हमें क्या करनी, हर पेज में करते, इंडेक्स वाले में काम हो चुका है, फैकल्टी वाले में आ जाएंगे तो फैकल्टी में भी वही लिंक आपको मिलेगा। पूरा यूएल कॉपी करके डिलीट कर देंगे और अपना जो यूएल कॉपी किए थे उसको, सॉरी कॉपी करके डिलीट हुआ था, मैं सिलेक्ट करके डिलीट कर देंगे और जो कॉपी अपने किया था उसको भी लाके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, सेव करा लीजिएगा। फिर कोर्स में आ जाते हैं, सेम उसी तरह से ये पूरा का पूरा जो यूएल है हमारा सेलेक्ट करेंगे, डिलीट कर देंगे और जो कॉपी किए थे उसको पेस्ट कर देंगे। फिर उसी प्रकार से कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट में जब आ जाएंगे तो यूएल टू यूएल है ही हमारा, इसको डिलीट कर देंगे और यहाँ पे अपना कॉपी किया गया कोड पेस्ट कर देंगे। अब इससे फायदा ये होगा कि जो पेज हमारा इस तरह से दिख रहा था, एक बार रिफ्रेश कर लें कि होम पे क्लिक करने से ना इंडेक्स एचटीएमएल फाइल खुल रही है ना, फैकल्टी पे क्लिक कर रहे हैं तो फैकल्टी एचटीएमएल खुल रहा है, कोर्स पे क्लिक कर रहे हैं तो कोर्स एचटीएमएल खुल रहा है, और कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक कर रहे हैं तो कॉन्टेक्ट एचटीएमएल खुल रहा है। क्योंकि सर खुल रहा है लेकिन सब पे एक ही जैसा मैटर क्यों आ रहा है, क्योंकि एक ही फाइल को ही तो कॉपी किया गया है।
अब इंडेक्स वाले को छोड़ दिया जाए, फैकल्टी वाले पे जब क्लिक करें तो यहाँ फैकल्टी का डिटेल्स दिखाई दे, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, ये जो फैकल्टी वाला कोड है इसको हम खोल लेंगे। अब बीच में वो जो फोटो और लॉगिन वाला इंफॉर्मेशन उसको हटा देंगे। तो नैब के बाद ही हमने लगाया है फोटो IMG में, और ये फॉर्म बनाया था हमने टेबल में, इन दोनों को हम कर देंगे डिलीट। अब जब इन दोनों को डिलीट कर दिया तो उसका CSS कोड भी अपने को डिलीट करना होगा। तो उसके लिए लिंक, फॉर्म और IMG, ठीक है, यही तीन उसमें लगे थे। तो CSS कोड भी इधर से हम डिलीट कर देंगे। डिलीट करने से ये फायदा हमें हो गया, देखिए रिफ्रेश किया हमने, होम पे क्लिक किया तो ये आया। अब फैकल्टी पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है, मतलब तो वो बीच वाले कोड जो है हमारे सारे गायब हो गए। बट एक गलती हमने कर दी, लिंक वाले को डिलीट नहीं करना था। लिंक वाले सबसे नीचे वाला टेबल है, ये दो को डिलीट करना था अपने को, ठीक है। फिर से आ जाते हैं, रिफ्रेश कर देते हैं इसको, अब ये ऐसा दिखेगा, बीच में पेज सादा, नीचे लिंक आपका यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ हम चाहते हैं कि यहाँ पे फैकल्टीज की डिटेल दिखे, कौन कौन फैकल्टी है, कौन कौन सा उसका क्वालिफिकेशन वगैरह है, ठीक है। तो उसके लिए कुछ फोटोज हमें डाउनलोड करने होंगे, मान लीजिए 6 फैकल्टी को दिखाना चाहते तो कम से कम 6 फोटोज यहाँ पे हमारे पास होने चाहिए। अलग से टैब खोलेंगे, यहाँ पे नाम डालेंगे, नाम डाल के जब सर्च करेंगे तो ऐसे फोटोज इस तरह से दिखाई देंगे, किसी एक पे क्लिक कर दीजिएगा। तो फोटोज आपके इस तरह से दिखाई देंगे। अब एक फोटो पे आपको करना है राइट क्लिक, सेव इमेज एज कर देंगे, इसे ये इस वेब वाले फोल्डर में जाके, वेब वाले में ही सेव भी करना है, ठीक है। धोनी और ये JPG, यहाँ देखिएगा PNG और JPG ही हो, ठीक है। इस फाइल को हम कर देंगे सेव। अब जैसे ये सेव हो रहा है उसी प्रकार से 5 फोटोज को और हम डाउनलोड कर देते हैं। तो सारी की सारी फाइलें हम डाउनलोड करके रख चुके हैं, उसको हम इस फोल्डर में देख सकते हैं। अब इन्हीं को हमें क्या करना है, ऐड करना है अपने पेज पर। तो पेज पर ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नेविगेशन बार है, नेविगेशन बार के जस्ट नीचे आ जाते हैं, यहाँ पर हम फिर से एक लगा देते हैं टेबल। टेबल में लगाने से थोड़ा सा वो एक क्रम में रहेगा। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे TR, और TR के अंदर होगा TD, एक TD ये हो गया, और इस TD में हम फोटो लगा देते हैं। तो फोटो लगाने के लिए लिखेंगे IMG SRC, ठीक है, IMG SRC। पहले हम सचिन को लगा देते हैं, सचिन JPG हो गया। अब इसकी हाइट विद क्या होगी, हाइट दे देते हैं, यहां से हाइट दे दिया जाए, मान लो 150 पिक्सल। अब विड्थ भी दे दिया जाए इसका 150 पिक्सल। तो ये फोटो यहाँ पे इस तरह से दिख जाएगी। अब हम क्या करते हैं, आ जाते हैं वापस। जैसे एक को हमने यहाँ लगाया हुआ है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे, ठीक है। तीन फोटो चाहिए थे, एक दो, पेस्ट कर देंगे, नाम यहां से चेंज हो जाएगा। ये तीन फोटोज हमारे आ गए इधर। अब जैसे यहां से तीन आ सकते हैं, पूरी लाइन को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी कर देंगे, अब उसके बाद इसको पेस्ट कर देंगे यहाँ पे नीचे। अब उसके बाद थोड़ी फाइलों को हम चेंज कर देते हैं, विराट JPG यहाँ हो जाएगा,
रोहित यहाँ हो जाएंगे। धोनी यहाँ हो जाएंगे। रिफ्रेश जब करेंगे तो इस तरह से ये फोटोज यहाँ पे दिखेगा। अब हम चाहते हैं कि जो टेबल है थोड़ा सा बीच में आके दिखाई दे, तो हम टेबल की करेंगे कोडिंग। टेबल का पहले क्लास लगा लेते हैं। FSE नाम से हमने क्लास बनाई। जब क्लास बना ही दी है तो उसको डिफाइन कर देते हैं यहाँ पे, और क्लास डिफाइन जब जब होगा डॉट लगेगा। मार्जिन दे देते हैं, मान लीजिए चारों ओर से 100 पिक्सल का। इधर ही आ गया। थोड़ा सा और इसको इधर खिसका देते हैं, इधर खिसका देते हैं, और बीच बीच में गैप दे देते हैं। टेबल में दे देते हैं सेल स्पेसिंग 30। ऐसा करने से सेल के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आ जाएगा। अब उसके बाद एक एक टेबल में थोड़ा सा लिख भी दिया जाए, टीडी है ही, यहां लगा दीजिए जब बी आर। लिखा है, देखते हैं नीचे आता है कि नहीं आता है। तो लिखा हुआ टेक्स्ट आपका यहाँ नीचे दिख रहा है। अब फैकल्टी क्लास है, TR है, TD है। TD में जो लिखे हम चाहते हैं उसका कलर जो है वो है व्हाइट कलर का। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, आपका ये टेक्स्ट जो है अब इस तरह से आएगा। अब जैसे इनका टेक्स्ट आया हुआ है उसी प्रकार से हम सबके लिए टेक्स्ट लिख लेंगे। तो इसको लिखना नहीं है, कॉपी कर देना है बस। हमने यहाँ TD वाले में इसको लिखा है, इसको कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे।
इनके भी नाम आ गए, बचे दो लोग। तो ये इस तरह से आ गया। टेबल का मार्जिन देने से ज्यादा मार्जिन, या तो लेफ्ट का हम क्या करें, ज्यादा कर दें इसका। ज्यादा करने के लिए क्या करना होगा, ये जो फैकल्टी नाम का हमने यहाँ पे बनाया था ना, सिलेक्शन किया था क्लास का, मार्जिन टॉप से इतना हो गया। हम चाहते हैं कि 200 पिक्सल लेफ्ट से हो, 100 पिक्सल नीचे से हो, और 200 पिक्सल फिर क्या हो, राइट से मार्जिन हो। थोड़ा सा और खिसका देते हैं, राइट वाला हम कर देते हैं 400। थोड़ा कम करना पड़ेगा, 400 की जगह हो जाता है 370। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जाएगा। बाकी इसका बैकग्राउंड वगैरह अगर आप देना चाहेंगे तो दे सकते हो, ऐसे बिना बैकग्राउंड के ज्यादा सही लग रहा है। इमेज IMG को सेलेक्ट कर लिया जाए, IMG टैग मतलब इमेज टैग हो जाएगा। बॉर्डर रेडियस, बॉर्डर माइनस बॉटम लेफ्ट 20 पिक्सल। टॉप राइट 20 पिक्सल। ऐसा करने से क्या होगा, जी फोटो होगा थोड़ा सा ऐसे तिरछा दिखाई देगा, कटा कटा कोने कोने से। ठीक है, तो दो पेज हमारे इस तरह से बन गए। अब कोर्स के लिए बनाना है, कांटेक्ट के लिए बनाना है, तो ये हम एक काम करते हैं, ये जो टोटल कोडिंग है कंट्रोल ए से कर देते हैं कॉपी, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कर देते हैं कॉपी। ये कोडिंग थी फैकल्टी के लिए। अब आ जाते हैं कोर्स पर, कोर्स पर क्लिक करके इधर कंट्रोल ए और कंट्रोल वी कर देते हैं, तो कोड आपका रिप्लेस हो जाएगा। अब रिप्लेस हो जाएगा तो इसमें फोटोज हमें नहीं लगाने हैं, हमें फोटोज नहीं लगाने, फोटोज को हटा देते हैं यहाँ से। हाँ, TR लगेगा, TD भी लगेगा। अब एक एक सेल में कोर्स को हम डिफाइन करते जाएंगे, तो लिखते हैं यहाँ पे डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, कोर्स है आपका डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। फिर इसको यहीं से लाइन चेंज कर देंगे, BR हो जाएगा। उसके बाद यहाँ दे देते हैं ड्यूरेशन। ठीक है, ड्यूरेशन हो जाएगा 12 मंथ्स का। फिर उसके बाद कर देते हैं BR।
फी दिखा देते हैं यहाँ पे 12,000। ऐसा करने से ये होगा, कोर्स पे जब क्लिक करेंगे तो डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा आएगा, ड्यूरेशन लिखा आएगा, फी लिखी आएगी। हम चाहते हैं कि कोर्स के बाद थोड़ा सा ज्यादा जगह छोड़ के आए, तो कोर्स के बाद हम क्या करेंगे, एक VR नहीं लगा के डबल VR लगा देंगे। इसी दो लाइन छोड़ के आएगा नीचे। अब इसी चीज को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। उसी TD में ही TR में ही करना है, TD बस बढ़ानी है। चार चार कोर्स हम एक रो में दिखाएंगे। इस तरह से ही आउटपुट दिखेगा। बाकी अभी ये मार्जिन वगैरह लेफ्ट से हटा दिया जाएगा, कोर्स को एडिट करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, एक रो और ले लेते हैं, फिर इकट्ठे एडिट करेंगे। इस पूरे रो को हम क्या कर देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेंगे। अब फिर नीचे आके हम क्या करेंगे, उसको पेस्ट कर देंगे। और अभी तो फिलहाल इस तरह से ये आउटपुट दिखाएगा, बाकी एडिट करके हम आगे बढ़ाते हैं इसको। तो चेंज करने के बाद इस तरह से आउटपुट आपका दिखेगा। अब उधर IMG के लिए हमने कोडिंग किया होगा CSS का, वो IMG के लिए कोडिंग तो अपने को चाहिए नहीं। डॉट FAC हमारी क्लास थी, TR लगा था, और TR में TD था। जब सब कुछ यही था तो कंट्रोल X से इसको हम कट कर लेते हैं, और यहीं पे हम इसको क्या कर देते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब इसका पहले बॉर्डर लगा दें एक बार। बॉर्डर 2 पिक्सल का, व्हाइट कलर का, रिज बॉर्डर। पैडिंग लगानी पड़ेगी थोड़ी सी गैपिंग के लिए। पैडिंग लगा देते हैं हम 10 पिक्सल का, ये इस तरह से। अब इधर का ये जो गैप है उसको हमको हटाना पड़ेगा। तो गैप हमने कहाँ दिया था, यहाँ दिया था। हम गैप कर देते हैं चार ओर 100-100 पिक्सल का, इतना गैप करने से देखते हैं क्या होता है। ठीक है, किसी की चौड़ाई कम लग रही है, किसी की चौड़ाई ज्यादा लग रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, TD में आ जाते हैं, यहां दे देते हैं width। अब width में पहले 250 पिक्सल देके देखते हैं। ढाई सौ पिक्सल कर देने से सभी बराबर हो गया। बाकी हाइट भी आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। ज्यादा ही हो गया, 100 पिक्सल लगा के देखते हैं कितना हाइट आता है। ठीक है, तो ये एक पेज आपका ये कोर्स वाला बन गया। अब बनाना है कॉन्टेक्ट वाले का। ठीक है, तो कॉन्टेक्ट वाले में सीधे हम चलते हैं। कॉन्टेक्ट वाले पे जब हम आ जाएंगे तो ये कोडिंग इस तरह से ये दिखाएगा। इसमें हमें क्या गायब करना था, वो जो स्टूडेंट का फोटो लगा है बीच में से, और ये जो फॉर्म बनाया था ये हमें गायब करना था।
इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ये पहले वाला पेज है उसी का दिखा रहा है, तो लिंक को छोड़ के ऊपर वाले ये दो टैग इधर से भी गायब करने थे, हमने यहाँ से गायब कर दिया। अब हम चाहते हैं कि लास्ट वाले पेज पे क्लिक करें तो वहां पे हमें कुछ लोगों के नाम हो और उनका ईमेल आईडी और कॉन्टेक्ट नंबर दिखाई दे, तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, एक टेबल फिर से बना लेते हैं। एक्चुअल में ये नॉन रिस्पॉन्सिव पेज है इसीलिए सब कुछ हमें टेबल में बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे टेबल, लगाएंगे टी आर, ठीक है, टी एच अब की बार यूज करते हैं। पहले दिखाएंगे डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, हेड ऑफ डिपार्टमेंट के बाद इनका कॉन्टेक्ट डिटेल्स। ये टेबल जो हम बनाएंगे, ये टेबल आपका चौड़ा रहेगा, अस्सी परसेंट में। तो हम आ जाते हैं कॉन्टेक्ट वाले पेज पर, ये देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा, यहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे है, ठीक है। अब हम चाहते हैं इसके नीचे कुछ डिटेल्स वगैरह डाल दी जाए, तो डिटेल्स के लिए हम फिर से यहाँ से टी आर ओपन करेंगे, टी डी लगेगा, और पहले वाले टी डी में डिपार्टमेंट देना है ना, तो हम दे देते हैं पहला डिपार्टमेंट आर्ट्स का, यहाँ पे टी डी बोला गया था, टी आर गलती से लग गया है। उसके बाद इस टी डी को हम कर लेंगे कॉपी, एक तो और कॉन्टेक्ट डिटेल में हम आ जाते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर भी यहाँ पे डाल दिया गया, तो ये डिटेल इस तरह से आ जाएगी। अब इसी एक चीज को हम कॉपी कर लेंगे, बाकी आप एडिटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। ये भी सेंटर में ही है तो काम कर देते हैं, इसका लगा देते अलाइन इक्वल्स टू ENTER सेंटर। अब इस डिटेल वाली लाइन को हम कर देते हैं कंट्रोल सी से कॉपी, एक दो तीन पेस्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ ब्लैक कलर की दिख रही है। अब पहले तो हम इसका टेक्स्ट कर दे वाइट, तो टेक्स्ट वाइट करने के लिए क्या करना होगा, टेबल का पहले एक क्लास बना दें, तो लिखेंगे सी एल ए डबल एस क्लास इक्वल्स टू कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट नाम से हम क्लास बना देते हैं, फिर कॉन्टेक्ट वाली क्लास को यहाँ पे डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे कॉन कॉन्टैक्ट। अब कॉन्टैक्ट के अंदर है क्या, कॉन्टैक्ट का पहले आई थिंक बैकग्राउंड डाल दिया जाए, सही ज्यादा लगेगा। बैकग्राउंड कलर कोई हल्का सा कलर लगा देते हैं, या एक काम करते हैं आर जी बी ए का प्रयोग करते हैं। ये इस तरह से दिखाई देगा। इसको थोड़ा सा नीचे लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसका लगाएंगे पोजीशन, रिलेटिव या एब्सोल्यूट कोई भी कर सकते हैं, तो मैं दे देता हूँ यहाँ पे एब्सोल्यूट, और टॉप से इसको सरका देते हैं, सौ पिक्सल, लेफ्ट से इसको खिसका देते हैं 150 पिक्सल। अब इसकी फॉन्ट साइज वगैरह भी अगर बढ़ानी होगी तो बढ़ा ही देंगे,
फ़ॉन्ट साइज कर दिया जाए 30 पिक्सल, उसके बाद टेक्स्ट को हमें कलर करना होगा। तो टेक्स्ट एक बार यहीं ट्राई करते हैं, अगर कलर हो जाए यहीं से तो ज़्यादा बेहतर है। कलर ठीक है, काम चलाने भर का हो गया। ये है आपका होम, ये है फैकल्टी, ये है कोर्स, ये है कॉन्टैक्ट। ठीक है, सबके कोड भी मैं एक बार दिखा देता हूँ। फाइनली नकल करने वाले जो लोग होंगे नकल सीधे मार देंगे यहीं से, और जो कॉन्सेप्ट वाला होगा शुरू से देख देख के बनाएगा। देखिए 1 से लेके 32 तक की लाइन यहाँ तक है, 32 से लेके 62 तक की लाइन यहाँ तक है, 62 से लेके यहाँ तक है, 92 तक, बाकी खत्म है। फैकल्टी पे आ जाते हैं तो फैकल्टी का जो कोडिंग है ऊपर से ऐसे है 32 तक, फिर 60 तक ऐसे है, 60 के बाद ऐसे है, एंड है। कोर्स में आ जाते हैं तो कोर्स का जो कोड होगा वो कुछ ऐसा है, 32 तक ये हो गया, 32 से ऐसे 63 तक हो गया, फिर यहां तक है, यहां तक है। ठीक है, और लास्ट में कॉन्टेक्ट का जो कोड है यहां से शुरू है 32, फिर 32 से लेके यहां तक, फिर ये यहां तक, फिर ये यहां तक। ठीक है, कोडिंग सारी इस तरह से हो गई है। और हमारे पास कंटेंट क्या क्या होने चाहिए, तो कंटेंट आपके इस फोल्डर में यहाँ दिख रही है। फाइलें होनी चाहिए, बैकग्राउंड फाइल होनी चाहिए, सब कुछ इस तरह से फोटोज वगैरह होने चाहिए। अब हमें क्या करना है कि इसको इंटरनेट पे अपलोड करना है। तो इंटरनेट पे अपलोड कैसे किया जाता है, उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना ब्राउजर ओपन करेंगे। देखिए वेबसाइट को पब्लिश करने का दो तरीका, एक होता है पैसे से और एक होता है फ्री। तो फ्री वाला तरीका हम आपको सिखाते हैं, लिखेंगे 000 वेब होस्ट सर्च कर देंगे। इसमें जो पहला वाला लिंक आएगा इस पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद साइन इन पे हमें क्लिक करना होगा। साइन इन पे क्लिक तभी कर सकते हैं जब आपने प्रोफाइल बनाई होगी। ठीक है, तो प्रोफाइल हमने बनाई नहीं है, आ जाते हैं नीचे, थोड़ा साइन अप पे कर देते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमें एक ईमेल आईडी और एक ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, जो कि एक जेन्युइन किसी की ईमेल आईडी हो। तो हमें एक ईमेल आईडी यहाँ पे डालनी है, एक पासवर्ड डालना। पासवर्ड में देखिए कह रहा है कि 8 कैरेक्टर होंगे, लेकिन इसमें भी तरीका होता है कि इसमें स्पेशल सिंबल और कैपिटल में डालना पड़ेगा। तो जो पासवर्ड यहाँ डालेंगे सेम पासवर्ड है यहाँ पे रिपीट करना होगा। दोनों पासवर्ड डाल के साइन अप पे आप क्लिक कर देंगे, फिर ये आपको वेरीफाई कराएगा। तो साइन अप पे जैसे आप क्लिक करेंगे, रोबोट वगैरह या काउ हो सकते हैं आपको, मतलब कैप्चा कोड वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा। तो जो फोटो में पूछ रहा होगा उसको आप सेलेक्ट करके वेरीफाई पे क्लिक करिएगा, तो मेंबर्स एरिया में आप लॉग इन कर जाएंगे। अब मेंबर एरिया में आ रहा है, धीरे धीरे आपका ये आगे बढ़ेगा। आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर होता है कि कितना टाइम लगेगा इसमें। तो जब ये आगे बढ़ चुका होगा और वहां से वेरिफिकेशन आपके फोन से हो जाएगा, तो यहाँ पे एक लिंक आएगा, टेक मी टू द पैनल, इस पे हम क्लिक कर देंगे। और किस नाम से वेबसाइट बनाना चाहते हैं उसका नाम यहाँ पे डाल देंगे। तो अमर माइनस मान लीजिए हमने दे दिया यहाँ पे टेक, और कर देते हैं सबमिट पे क्लिक। अगर इस नाम से अवेलेबल होगा तो वेबसाइट बन जाएगी, नहीं तो फिर दूसरा नाम हमें डालना पड़ेगा। थोड़ी देर हम वेट करते हैं, ये अपने सर्वर पे चेक कर रहा होगा कि इस नाम से कोई पहले से वेबसाइट बनी है कि नहीं बनी है। उसके डेटाबेस में अगर इस तरह की वेबसाइट होगी तो नहीं बन पाएगा, और नहीं होगी तो आप यहां से इसको क्रिएट कर सकते हैं इस नाम से वेबसाइट। तो यहाँ पे लिख रहा है कि इस नाम से वेबसाइट आप क्रिएट कर सकते हैं। आ जाते हैं अपलोड योर साइट के सेलेक्ट वाले पे क्लिक कर देते हैं हम। जैसे क्लिक करेंगे आपका फाइल मैनेजर यहाँ पे ओपन होगा, जहां पे हमें दो फोल्डर दिखेंगे, एक पब्लिक एचटीएमएल करके होगा और एक और कोई फोल्डर होता है।
स्टैम्प करके होगा। पब्लिक एचटीएमएल को डबल क्लिक करके खोलेंगे तो यहाँ एचटीए एक्सेस फाइल होगी, इसकी हमें जरूरत नहीं, तो इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देते हैं। और डिलीट जब हो जाएगा तो यहाँ अपलोड बटन पे हमें क्लिक करना होता है, फिर आना होता है सेलेक्ट फाइल्स पर। और सेलेक्ट फाइल्स पे आएंगे तो हमें डेस्कटॉप पे जाना है जहाँ पे हमने अपना वेब नाम का फोल्डर बनाया है, इसमें ये सारी की सारी फाइलें बनाई हैं। तो एक किसी एक पे क्लिक कर लेंगे और कंट्रोल ए दबाएंगे जिससे सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और ओपन पे कर देंगे हम क्लिक। ओपन पे क्लिक करते ही सारे सिलेक्ट होकर फोल्डर्स की फाइलें इधर आ जाएंगी। अपलोड पे क्लिक करेंगे, धीरे धीरे करके सारा एक एक फाइल हमारा क्या होगा, इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा, इस वेबसाइट के डोमेन पे अपलोड हो जाएगा। सारा कुछ अपलोड हो चुका है तो यहाँ बगल वाले टैब पर हम आ जाएंगे, और वहां जब आएंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट रनिंग आपको दिखा रही है अमर टेक वाली, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो सारा का सारा वेबसाइट जैसे हमने बनाया था वो इंटरनेट पर रजिस्टर हो चुका है, और आपके सामने इस तरह से इसके पेजेस दिखाई देंगे। आपका जो वेबसाइट का डोमेन है वो ये है, कंट्रोल सी से मैं कॉपी कर देता हूँ विंडो आर करके, नोटपैड में मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करके आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये खुलेगा। ये आपकी वेबसाइट है, ठीक है। अब इसमें भी टैब वगैरह पे आप क्लिक करके देख लीजिए, दूसरा खुल रहा है, ये तीसरा खुल रहा है। ये धीरे धीरे क्यों खुल रहा है, क्योंकि आपका ये इंटरनेट से ओपन हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने सीखा कि किस तरह से हम वेबसाइट के सारे पेजेस को बना के इंटरनेट पर उसको फ्री रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।